हेलो हेलो बहू जी, इन में से तो कोई बोले ही को नहीं। अरे अक्कल का दुश्मन, बोले को कहीं हम घंटी तो बाजी है दरवाजा की और तू उठा लियो फोन। इया के जब तो घसी हो लो बहू जी, तार आयो है। तार? तार की को है रे? मैं नहीं क्या बेरो, मैं क्या इमेज से बढ़ के नहीं थियूं। लियो, सही कर दियो। अटेंड स्टेशन, डार्लिंग, डार्लिंग, कौन डार्लिंग? नाव तो लुकाई जी सुला के है। आज भी वार कर दी, आज मैंने थारे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहे हैं। आदमी की जाति इसी हुए है, दाने लाख कौपन बे रवि का टेढ़ा ही। बस बस अब बंद करो थारे और दिखावटी प्यार को नाटक। अब था की लिपा पोती मैं आने वाली नहीं हूँ। कुंती में क्योंकि मैंने तेरी मजाक बिल्कुल पसंद को नहीं आई, कहने को देख लेते जज। मैं भूल हो गया, तेरा तो ब्याह होगा ना? अरे हाँ, पंडोड़ी लुगाई को पतिवर्तन तो सूत के तागे से भी कच्चे हो, एक हल्को सो झटको लगी हो और टूटी हो। एक बात बोलू जानी, कांच के सामान के ऊपर जहाँ सावधानी खाते लिखे हो जाने कि ग्लास हैंडल विद केयर, वही पंडोड़ी लुगाई के शरीर पर भी एक लेबल मैरिड वुमेन हैंडल विद केयर को लगा देना चाहे। बुरा मत मानिए, पर साची बात तो यह है कि मैंने ये बात को ख्याल ही को नहीं रहा कि तेरा ब्याह हुआ है। अरे आज तो मेरे ब्याह की पहली पहली सालगिरह है। ठीक हो तू भी आगो, आज को दिन मैं बहुत धूमधाम से मनावांगा। कि एक बरस हो? हाँ, और एक बरस कहीं बीत को फिर ही को नहीं पड़े हो तने ना, पर यो एक बरस मैं कहीं काटे हूँ यह बात तो मैं जानू, क्योंकि सुख को एक बरस पलक झपकते ही पार हो जावे, पर दुखा की एक घड़ी एक बरस की लंबी लागे। पर तन्ने क्या को दुख है रे? तू ही बताइए अम्मी, कंचन के कौन सा हीरा मोती लाग गया? वो डॉक्टर है तो मैं भी तो वकील हूँ, जितना होशियार वो आपके काम में है उतरो काबिल मैं भी तो हूँ। यू मेरे मन को सवाल होते में मेरी आत्मा ने बो भाई को मैं भी को हाथ पकड़ लियो। तू सोच तो होती कि तू रूप और गुणा की खान है, हर आदमी आपके मन में यही सोचते रहे हैं। जय पुरुष एक पल खातर भी नारी बन जाते हो तो मेरा विश्वास है कि वो खुद के हिसाब से खुद को प्यार कर ले। तो अच्छा तो यह बात है, जगह गुण तने मेरे में को नहीं दिखिया बे तने इन्हें महसूस हुआ। एक बरस इधर सागे रहकर भी तेरी यही राय है? मतलब? मतलब ये हो कि थार लोगों के प्यार की लुक मिचनी हालतें पूरी को नहीं हो। तू समझती हो सी कि तेरे पति लुगाए की बीमारियों को बहुत बड़ो डॉक्टर है? इन्हें समझने वाली की बात है, क्या बात तो सारी दुनिया जाने है। दुनिया के जाने हैं और के नहीं जाने हैं, ये बात को पता था नहीं घर की चार दीवारी में बैठने के यहाँ लग सके है। जरा ये चार दीवारी ने उलांग कर देख, जब तो तने पता चले कि तिरुपति लुगाए की बीमारियों को डॉक्टर है या बाकी भोले भाड़े मनेड़ा। खैर मने की मतलब आई डोंट माइंड फॉर दैट। ओके सी यू। हेलो सिमिल, क्यों भाई मेरे घर में गुस्सा ही चाल पड़े हो? मेरे जान चुके आजाद से घबराए हो गए? नहीं डॉक्टर, मैं तो तेरी गैर हाजिरी को फायदा उठाने की चेष्टा कर रही हूँ। यामनी कने तेरी चुगली करता एक को मतलब तो यो हो कि तू बिल्कुल निरे साथ निरे साथ नहीं हो नहीं सके। अरे पागल, सुंदर नारी के कने भी की सुंदरता को बखान करने की जगह तू अब तक फालतू बातों में टाइम बर्बाद करते रहे। बस बस रहने दे, था की लुगाई अति कुन से रूप और सुंदरता की खान है जी को। नहीं है बावड़ी, मैं तेरी खातरी थोड़ी कर रहा हूँ। मेरी राय में तो इस सृष्टि की सगड़ी नारियां सुंदरता और रूप को खजाना हुए हैं। परमात्मा द्वारा निर्मित इस सृष्टि की सबसे खूबसूरत चीज यही तो है। अच्छा अच्छा, तो अब मैंने पतो चालियो कि औरता में तो लोकप्रिय क्यों है तुम? अरे रे चुप भी रे, मेरे ही सामने मेरा ही मुंडा पर अच्छी बंदा भी तो मत ना कर, नहीं तो मेरे धंधा पर आज आ जाओगी। ओहो सॉरी सॉरी डॉक्टर सॉरी, पर डॉक्टर मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स फॉर योर मैरिज एनिवर्सरी। थैंक यू तुम्हें। ओके डार्लिंग, थैंक यू सर, बाय। ओके बाय। अमिनी मेरे से बात मत करो जी, आज मैंने थारे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहे है। जो भी कोई आने को वक्त है आज के दिन काम नहीं करता तो क्यों बिगड़ जाते?
अरे यामिनी देवी, आज मारा ब्याह की सालगिरह है। इको मतलब यो तो बनी कई उपलक्ष में बीमारियां भी आपको मरे जाने छुट्टी दे देगी। डॉक्टर की जिंदगी ऐसी हुए है डार्लिंग। अरे हाँ, ये डार्लिंग को क्या मतलब हो गए है? मना के मेरो? देखो जी, मैं बहुत सीरियसली पूछ रही हूँ, बात में मजाक में मत ना उड़ाओ। भाई तू खुद भी ये बात है और जी पर एक डॉक्टर की धर्मपत्नी, कितने डार्लिंग शब्द का अर्थ भी मालूम करनी? मालूम तो है, पर मैं ई तार में लिखा गया डार्लिंग शब्द को अर्थ जानना चाहूँ। अरे वो मालूम मतलब आपने वो अरे थी? अरे छी छी छी, तू समझती हो सीख के उतार कोई लुगाई जात को है? लुगाई को मन भी कत्तो शंका हुआ है तो के जो तार कोई लुगाई को करनी? अरे पागल है तू भी, भिलाई का जस्टिस डार्लिंग साहब को नाम सुने कभी? कौन सुने ना? अरे तो वो तार बस भी का पोता को है। भिलाई का जस्टिस के पोता से साखो के लेनो देनो? अब भाई बात को मने के करो, डॉक्टर से कोई को केले ना दलो है, ये बात ना तो वही जा रहे। मेरे कड़े के हाथ लगा के सोगन खाओ कि ठीक कहो हो जो की बात साची है। गड़ाकी की बात है, तू बोले तो मैं मेरे स्टेथोस्कोप की स्वागत खातर बोलूं। ठीक है, मैं मायने चालू हूँ और देखू हूँ कि तैयारियां पूरी हुई के नहीं। ओके आप भी आ जाए। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, यार मैं मेरे चश्मा उठी भूल गया। एक मिनट रुके यार, बोल। बैठ बोल बोल। तेरे से एक बहुत जरूरी बात करनी है। मेरे? हाँ बोल। बात दरअसल यह है कि मेरे एक भाई लो, अब तेरे से क्या लिखूं यार, मेरी एक गर्ल फ्रेंड ही गाड़ी से ही आने वाली है। अच्छा अच्छा अच्छा, सी इज़ वेरी गुड गर्ल। अच्छा, तेरी भाभी भी के बाबत में क्यों भी नहीं जाने? अच्छा, और न मैं बिना जाना नहीं चाहूँ भैया, कोई खास बात नहीं है, पढ़ने लुगाया को स्वभाव तो तू जाने। हाँ हाँ, तो आगे बोलना। बा मन्ने स्टेशन पर गाड़ी अटेंड करने को तार दिए। अच्छा, और तू तो जाने कि घर में आज मेहमान आने वाला है। तो तू क्या कह चाह रहे, तेरे जगह स्टेशन पर मैं जाऊँ? हाँ यार, तेरे तकलीफ तो थी। अरे यार, ऐसा काम में तकलीफ क्या की, तू यह समझ ले कि मैं पहुंच गया स्टेशन पर, पर मैं भी नहीं यार पिछाड़ूंगा कहीं। अरे कोई आन सेनान तू तो मालूम पड़ना चाहे ना। तो ठीक बोले यार, हाँ बात तो मैं भूली को। ले देख, अभी की फोटो है, देख ले अच्छी तरह। हाय 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 डॉक्टर, क्या बात है, वाह बधाई हो। के मतलब? मतलब यो की छोरी है कांटा उतर। वाह क्या बात है, अच्छे बात करे यार, तो समझे अच्छी बात नहीं है। अरे भाया क्यों दाया से बैठ लोग हुए हैं? अरे भाई चोर चोरी करे पर घर में तो वो भी झूठ को नहीं बोले, साची साथी बताई दे रहे, और तू अच्छी बात भी दोस्त से लुको कर रखने चाहे। डार्लिंग मने मालूम है या नामी फिल्म स्टार है, पर गुरु कन्ने कटे मिल गई या गुमेडी ब्यूटी से। दो महीना पहले मैं बम्बई गया ना, जब एक शाम कोलाबा का समुद्र तट पर मेरी इससे जान चुकी मुलाकात हुई। अरे तो हंसो क्या? अरे भाई मैं हंसियो तो आई कि मैं आज तक ई बहन में हो, तू तेरी नई गृहस्थी में बहुत ज्यादा सुखी है, पर तू निश्री आयो गडियोड़ो मत रे। नहीं नहीं भैया, तो मैं मारी गृहस्थी में घना ही खुश हूं। अच्छा, मेरी पत्नी के प्रति मेरा प्रेम में जरा भी कमी नहीं है। वाह वाह, और बा बेचारी है भी घनी भले, पर लोभी भौरो रूप को कली कली मंडरावे और जगह जगह बिरदा तो खुद ने गीत प्यार का गा। ओके एनीवे डोंट वरी, आई सी यू। हां सर, ओके बाय। ओके गुड बाय। क्यों आज तो बहुत तरी मारे आला को, क्या की हंसी ठटोली चल रही थी? मर्दा की हंसी मजाक औरता ने बताने लायक नहीं होया करे। ओके बाय। आओ आओ अरुणा जी, प्लीज हैव अ सीट। आज एक लाइक यहाँ तो सागे किने लिया की का पति देव ने? पति देव? पति देव कौन? की बात करो उठे भी भूलोगी, मने तो ये बात को ख्याल ही कौन रहे हो कि थे लोग बिना ब्याह करे ही दोस्त है किसी ऐसा करो, और इसलिए एक दूसरा ने धनी लुगाई को नहीं मानो। तो आज तक भाई ने बिटे छोड़े यार? भाई लो वो तो बंबई गए रहे। की बोली की को मतलब है कि वो आज की पार्टी में जरूर आवेगो,
अरे भाई वो ई गाड़ी से पाछो आ रही हो स्टेशन से सीधो अठे आवे वो। पर वो बम्बई क्या खातर गयो है? आपके दोस्त की तलाकी गवाई देवा। कमाल है, खुद ने तो ब्याह करवाना बनी और बेचारा दूसरा का कर दो और खुलवा सक रहे। ब्याह के नाम से ही नफरत और चिढ़ है मान लोगो ने। हाँ अरे पर अरुणा जी अठे तो ते मालुका का ब्याह की सालगिरह मनावना है उन्हें तोड़ने तो को नहीं आया। छी 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 इतना शुभ मौका पर ऐसा खुशी सब क्या ने बोलो हो चुप ही रहो। यामनी तेरो ब्याह पूरा एक बरस निको ई बात की तने बधाई दे बाई हूँ मैं तो। नहीं तो आजकल ब्याह एक महीने भी निप जावे तो तकदीर की बात समझनी चाहे। माँ लोगा की बात तो छोड़ो पर हे लोग बिना ब्याह करे गुगा गुगी बढ़कर सागर हो यो नाटक कब तक निभाओगा फिर? डॉक्टर साहब यामनी आपके कने बीमार बनकर आई है और आप भी मैं खारी दवाई के अंदर प्याज की चाशनी घोल कर प्या दी और आपकी बना ली। नहीं तो कॉलेज के दिना में आजीवन ब्याज नहीं करने की प्रतिज्ञा करी ही मैं लोग। अरे छोड़ो कॉलेज की बात बाद दिना में तो मैं भी जोश में आकर प्रतिज्ञा करी आजीवन ब्रह्मचारी रहकर राष्ट्र की सेवा करूंगा। पर मन ने तो मेरे पण भंग होने को जरा भी पश्चाताप नहीं है। होवे वो भी कहीं हम थोड़ा दिन तो जेल में रहने के बाद कैदी ने भी जेल सुहानी लागन डाल जाया करे है। ब्याह की बेड़ी से तो लोहा की बेड़ी ही चोखी। अरे छोड़ना इन फालतू बाता ने। जब तक लोग आया कहीं ना कोनी मैं देख रहा हूँ। ठहरो हमने तो अठे से हारनो भी नहीं है। नहीं तो बारी जाने को भानो बनाकर ठीक डार्लिंग साहब ने मिलने स्टेशन रिगल जाओगा। डार्लिंग साहब को पूछ पूछ ही। अरे बाबा कोई नहीं ना जरूर क्यों दाल में काल है। साची साची बताओ कौन है साथी डार्लिंग? अरे बाबा कोई कोनी थे मेरा पिंड तो छोड़ो। इस समझ में आई जरूर क्यों बात है। अरे जीजा जी एक दूसरा ने चकमो दिए बिना धनी लुगाई को जीवन एक मिनट भी चलना मुश्किल है। आप था लोगा ने गाले काटनी है तो सेंचोड़े काटो ने कपड़ा में लुको लुका कर मारने से क्या फायदा। भाई मैं तो आप बात ने बुरी भी कोनी मान। ब्याह को मतलब ही है लूट मिचड़ी को खे धोखा धड़ी और लीपा पोती को साम। धनी बारी के गुलछे उड़ा के आवे है लुगाई बापरी के जाने और घर के अंदर पत्नी जी खुद कसा कसा रंग मांगना मटवा चुके हैं। बर्ताव जी बेचारा ने क्या मालूम चुप ही रहे की फालतू बात कर रही है। ठीक है आपा अपने छोरा के नामकरण संस्कार पर आ लोगा ने बिल्कुल भी नहीं बुलाओ। क्यों जी असमय की कर दियो जी को थे बुलाओगा तक नहीं। अरे बाबा बुलाऊंगा तो थे लोग आता ही बर्थ कंट्रोल की बात कर ला जाओगा। अरुणा तू क्यों भी कह और मेरो मन तो बोले है कि बहुत जल्दी ही तू ब्याह की बेड़ी में बन जाएगी। मैं और ब्याह के बंधन में बन जाऊंगी। इम्पॉसिबल। तो ठीक है माँ हुई मेरे माँ ठीक होते चला जींस कपड़ा कपड़ा अंदर जाओ अंदर चलो। यामी तेरे ब्याह में पूरा एक बरस हो कितने लोग साचे ही सुखी हो। हाँ रे मन्ने मेरी जिंदगी में अत्तो सुख कदे भी को नहीं मिले जब तो ब्याह के पीछे मिले है। चाल झूठी खटेगी। अरे ब्याह करे पीछे ही तो असली सुख को राज जान सके है। बा कहावत है ना कि खुद के मरा बिना सुरख को नहीं दिखे। अरे मरिया पीछे सुरख दिखे है तो मरण वास्ते कौन तैयार हो गो की कम लोगों को विचार समझे लंबो चाले को के अब तो बर्खास्त करो ही मंत्री परिषद ने वरना थे लोग जरूर घर पड़वा कर उठेगी। बा कहावत है ना जटे दो लुगाए भेड़ियों जाए तो घर खुड़वा कर उठे। अजी चालो अरे चालो छोटी ने अरे चालो लो अजी चालो मैं आइडिया कह दी नंबर अरे चालो छोटी ने अरे चालो चल यामी पापा को मान लेते छोटी बैठा रहो। अरे सामने देखकर चालो अरे मैं तो सीधे ही देखकर चाल रहे हो हम मैं जी थे मुड़ मुड़ कर थोड़े ही जाको ना रास्ता में नहीं जा रही चाहे कोई लुगाई फिर से बस में थोड़े ही रहता हूँ ना आज ही और तो मैं पिंडों को भी छोड़ू से दिए हाल छे जे छोड़ दू एक तो। अरे खैरी छे कहीं तू बाप रे पिछाण की छी देख रहे हो छो के पिछाण छे कि नहीं। हम मैं दुनिया की सगली की सगली लुगाई था कि पिछाण की छे जे जी कमीज के पल्ला से चश्मो पूछ पूछ कर ताप रहे छे हूं के काने। अरे अब डॉक्टर साहब के सामने तो मेरी इज्जत मत ना खराब करे। नहीं जी थे उतारा ना माँ की इज्जत बीच बजा थे झाकरा छाऊ के कानी और लोग झाकरा छा मेरे कानी। अम्मा जी तू छे लड़की
सुनो छोटा पेपर, आज पानी फैसलो करना पड़ेगा, तेरी ना मैं सको छो ये झंझट ने। झंझट? हाँ। क्या को झंझट? जाको इको ख्याल से कि रास्ता में कोई भी लुगाई नजर आ जावे तो आदमी ने आपकी आंखें पर पट्टी बांध लेनी चाहे। अपनी आदमी के जब एक है तो पट्टी बांध लिया करो। जी पर ले लो भी तो पटना चाहे कि जान लो लोग छह की लुगाई। और एक बात, जकी लुगाई के सामने आंखें मीचू लो बाव को ने समझे ली को आदमी बदमाश छे। अजी बदमाश तो छे छोई, क्यों छापता फिरो तो मैं की लुगाया था। डिग्गी का कल्याण कर, मेरी दोनों आंखें पूर्ण आप तो ठीक से आंधो हो जाऊं। अजी आंधा होना भी तो बुरी बात छे, धरत राज कर भी सादो छो, पर तेरे से बेटा पैदा कर लिया पूरा सौ का सौ और राज कर यो ऊपर से। अरे तो मन्ने धृतराष्ट्र बनाकर तू कई गांधारी बननी चाहे छे, कोडे विचारी बार कोडे तू पति आंदो छो, सो आज रम आख्या के पार्टी बांध कर राखी असी पति बरसा छीबा, जे काल में आंदो हो जाऊं तो तू भी आख्या के पार्टी बांध दे ली। बोल दे जवाब दे दे। अजी ऐसा मूर्ख क्यों मुंह में जाकर ढूंढो, जब थे मेरी जीजा के सामने कोनी डटो तो पार्टी बांध ली उली तो जाने काय काय कर गुजरो ला। हे भगवान, माँ की पहली चारू लुगाया के सीख सोनी थी। हे भगवान, मरा की आत्मा ने शांति दीजे, शांति दीजे प्रभु। आजी थे क्यों रो छो, करम लो तो कुट्यो छे माँ को, मुन्ने मालूम छे से मुन्ने रीका रीका कर माँ ना गोला। तू और मरेली, अरे तन्ने देख कर तो जम का दूध भी पाछा भाग जावेला। कोई कह सके छे कि आ जबरजंग बैच छे छे सपूता की माँ छे। है जी मैं भैंस छू तो फिर डिग्री के करो। गोकर्ण जी, औरत पर जुल्म करना बहुत बड़ा अपराध है, थे के नौकर क्यों कौन राख लियो? नौकर और जवान लुगाई के घर में होता था। राम बजो जी राम, गैल से कोई सतंजी समेट कर ले जावे लो। तो फिर एक नौकरानी राख लियो जवान सी। क्या ठीक बात है, जवान नौकरानी और माँ के घर में ऐसे घर में रहता हूँ यहाँ। क्यों मैं नौकरानी में खा जाऊँ लोकाई? भाई चल तो ये झंझट निपटना मुश्किल है। गोकर्ण जी साचा से बहुत दुखी आदमी। डॉक्टर साहब अब थाने काई काई रहा हूँ माँ का दुख, और तो माँ के घूमवा फिरवा पर भी पाबंदी लगा रखी है। अजी मैं खूब जानू छू तो घूम लो फिर लो। डॉक्टर जी सुनो छो, घूमबा को तो करेला बहानो और जा पूछे रखे कन्या पाठशाला के सामने। राम 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 राम, झूठ बोलने की भी हद होवे छे। अजी ओंडे तो मैं हनुमान जी का दर्शन करवा जाया करू छु, थे भी जानो छो ना डॉक्टर साहब दरुद जी के माने हनुमान जी को मंदिर छे कि नहीं? हनुमान जी को मंदिर तो बटे छे। आजी देखा कोनिया था हनुमान जी का भगत, ऐसा ही भगत छो तो सुवार पहली 5 बजे उठकर जाया करो मंदिर में, 10 बजे टाइम तो वही होवे छे। गोकर्ण जी जब आने थारो घर से बाहर निकलना पसंद नहीं है तो मत निकला करो, ते तो अपने घर में बैठ कर ही गीता का पाठ कर लिया करो। और ए बड़ेला, अरे मैं तो खुद ही गई थी गोरखपुर वाली गीता, पर ए तो उम्मे भी लखो लखो कर किस्सा तोता मैना और भोग शास्त्र की किताब पढ़िया करता। भगवान किशन देखे थे तो क्यों? अरे बावड़ी भगवान किशन का ही देखे लो, मैं तो बचपन में खुद ही घनी मटकिया फोड़ी चे गीता को उपदेश तो कोई बुढ़ापे में जाकर दियो छो, पहले तो मैं भी गणाई रसी अच्छा माँ की हेर। सुनी माँ की खैर फतूरी बात, क्या के मन में देवी देवता की जरा सी भी श्रद्धा? जय श्री राम। और बापरा हनुमान जी का भगत बनिया डोले छे। अरे देवी भगवान से बड़े पति परमेश्वर हो गए छे, तू कोई सो अनादर करी छे, जा मैं तने श्राप दो छो कि आगले जन्म में तू कागली बनेली, कागली तेरो कलर चेंज हो जावे लो। काई बोलिया मैं कागली छो? तो थे काई छो? तो
છે. કઈ વાત કરો છો ડોક્ટર સાહેબ? સુરત ની આટે તોડે ખાલી પડ્યો છે કઈ? નહીં તો કઈ મને બી તેરે સાગે નરક મહિને જાવેલી પાંચ પાંચ ગા કરકે મેં લુગાઈ જાત પર ઘણા ઉપકાર કર્યા છે. વહેલાઈ જાવેલા કઈ મને તો લેવડને ધર્મરાજ સુરક્ષે વિમાન લેકર આવેલો. खूब टेम पर आया. मैं तो मेरी लुगाई के सामने हाल रहे छो और मकड़ी के जाले में फसड़ी माखी की हेल छटपटा रहे छो. जिथे नहीं आ जाता तो मेरी तो बल जाती राम राम सत्य है. नादान मारस धिकार सतन है. अवता के चक्कर में आए रे मरद किए राम नाम सत. आ बात कहनी पुरुष जाति का अपमान से. अरे मेरा काजा तो घड़ी की हेल धकड़ धकड़ करता रहे से. कद कोई लुगाई आवे मल्ले बतावे तो चार हो जब तो कहना ही तेरे. जी जी अर्जुन जी ब्रह्मचारी हो करी जी बता. अरे कौन सा ब्रह्मचारी? ब्रह्मचारी रहने का किसी ने शौक हवे? मेरा तो ब्याह को नहीं हो सके इस खातर ही ब्रह्मचारी सु कर लो भी के मजबूरी से मजबूरी. ब्याह को नहीं होया जना सुखी छो माता भाया जी फल जो भी मत ना ब्याह के चक्कर में मा की हेल. अरे चुप रह सासू के गाल नहीं काटनी. गाल नहीं काट रहा सुसरे बे? खुद तो पांच पांच बार ब्याह करा लिया और दूसरा ने उद्देश दे सर. ब्याह की शुरुआत एक सुंदर उपन्यास से मजेदार लग गए और पांच रेलगाड़ी का टाइम टेबल के जिया नहीं रस हो जाए. कई लाख रुपया की बात कही छे माता भाया जी. वो तो एक वर्ष को अनुभव छे. मैं पांच पांच ब्याह कराए छू. ऐ वास्ते ई विषय पर अधिकार से बोलने को हकदार छू. ब्रह्मचारी ने देखता ही मेरा भी जी चावे छे कि उनका फक पकड़ लू. क्योंकि ब्रह्मचरी तो छे पुरुषा को बल तेज और सामर्थ्य. माँ का बड़का भी ब्रह्मचारी छा जिना तो भारत वर्ष सारी दुनिया को सिर मोर को आयो. बड़का भी ब्रह्मचारी था? अरे जा रहे ऊत किस तरह की भाषा कर रहे थे? अरे सुसरे बड़ के ब्रह्मचारी थे तो तय पैदा किस तरह होगा? अरे भाई अवधूत तू तो कोई की भी मत सुन. तू तो जड़देनी सी बांध ले सेवरो और पर देनी सी करके कोई कभी सागे कर जोड़. अरे किसके सागे बांध लू गठ जोड़ा? गेल के बारह वर्षा से मैं घना ताफड़ा तोड़ रहा हूँ. इसकी भी थम लोगा ने खबर से? देख भाई है पांच अखबार मैं रोजिना ही विज्ञापन दे रहा हूँ. हाँ देखो. हाँ देख ले सुसरे टाइम भी देख ले. ये देख या देख या लिखा से लड़की चाहे. दूसरा अखबार देख ले सुसरे तो या देख इसमें लिखा से चार लड़कियां की हाथ की हाजर रस है. एक साढ़े चार की तय तो ऊती लिख दिया रे यार. चार का विज्ञापन दिराने से कम से कम एक की अर्जी तो आवेगी है. इस खातर यो दे यो दूसरा अखबार दे. रसोई की जरूरत है. अरे बात आवे. अरे बात आवे सुसरा घर रोटी तो बनावे ही सहेगे. और इसमें दे लड़की के खातर मास्टरनी की जरूरत है. तनख्वाह एडवांस दी जाए. विज्ञापन को कहते हैं किसी न किसी तरह छुरी चाहे. ते तो माता भाया जी बांग बोंग खा राखी लागो छो. अजी असा विज्ञापना से भी कदे ब्याह हो. अरे तो तय जानता हुआ तो तय बता दे कोई ठीक रास्ता. मैं तो किसी भी तरह का ब्याह करने तैयार. प्रेम ब्याह हो चाहे जबरदस्ती का. जबरदस्ती जाति अंतर का हो चाहे और भी ज्यादा जबरदस्ती का. और तो और मैं तो किसी विधवा का उद्धार करने भी तैयार हूँ. और सुन भाई इससे भी आगे मैं तो कानून तोड़कर दस बरस की छोरी सत्ती भी ब्याह कर लूंगा. पर तय कर आतो सरी. हे मेरा गोपी का नाथ ब्याह में भी इतना झंझट. काम तो माँ को ठीक है. माँ का भाया जी एंडी ने माँ की पहली लुगाई माचे पर पड़ी और उन्हीं ने दूसरी छोरी के साथ विवाह की चर्चा भी चले लगी. चिक 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 चिक. पर विधवा से ब्याह करने में थारे के आठ है. वो तो सर से सरल का हर गंगे हर गंगे से लुगाई मिला करे. पांच ले पांच वर्षा से थी विधवा ब्याह मंडल में मेरी अर्जी धरी पड़ी. परसों एक विधवा मिली. हाँ कहने लगी जवान तन्ने. अरे तो तन्ने कहता है
जागी जवान, मेरे नाम से 10,000 रुपए बैंक में जमा करा देगा तो मैं भी तेरे हृदय की गली में चांदना कर दूं। वाह वाह वाह, पीछे तू मेरी और मैं तेरा। ये ठगने के बेरा कि आजकल की विधवा भी धनी दौरे दहेज की मांग पहली कर ले। जब तो ही गोरख धंधे से 100 कोस दूर रहना ठीक है माका माया जी। अरे दूर जी ते माका माया जी देखा सारू तो बहुत सोना लागो छो, पर फिर भी इले इले पो। अरे भाई दुनिया में तो मैं मेरे से भी भुंडे भुंडे लोगों का ब्याह होता देखा से। आखिर कंजन से ऐसा के तेरे तरह का सुसरे कितनी बार जब रूप की डली पीर बानी ने तेरे चार के पति के सागे हाथ में हाथ खाला जाता देखो मेरा तो माथा ही ठिबक जावे। परसियों की बात सुनो, एक जगह बात पक्की होगी। होगी हाँ, पर एन टेम पर उस छोरी का कोई काका न जाने कठे से लिखर पड़े काको बीच में। हाँ खैर ला गया, इतनी ब्याह क्यों नहीं हुआ तेरा, जरूर क्यों खोट से छह खोट। अरे कठे से सुसा मैं बोले आजमा ले तो नट गया। इस खातर ही बोल रहे आंसू भाया जी, लुगाई मिलना आसान कोन्या, इस खातर ही ब्रह्मचारी सुन भाया जी। तेर भी बोला हो दूध भाई। अरे भाई ब्याह सीधी तरह नहीं हुए तो कमा डबाजी से काम लेना चाहे। अरे भाई अवधूत जी सीधी आगरे की कदे की नहीं रहे आजी कर आजी। अरे डाटा तो मन कम समझे थे टावर पड़े से मैं खड़ा ही कबाड़ा बात रहा। हाँ दूसरा भाग साथ देवे जी ने प्रभात फिरिया काट कर देखी। अच्छा महिला मंडल बनाया और बार भी निकाया निकाया। हाँ और एक स्वयं सेवी का दल बनाया है या देख पोता और यहाँ रहा बिगुल बजाया मतना। पन सौगन ले डॉक्टर, जय एक भी स्वयं सेवी का दल में भर्ती हुई होगा तो मतलब यो कि बेमाता था की तकदीर में लुगाई को आप मनो ही भूल गई। हेलो अरे तू कह ये भी रुशी तो गाड़ी से उतर के आ रही। गुड इवनिंग प्यारी वाली। गुड इवनिंग। अरे कबड़ो गाड़ी आया कितनी देर होगी। डिस्टर्ब मत कर यार आज रेल गाड़ी में 80 रूसी से चार चुके गए। हाय 80 56 छुरी एक बार आके कॉल न मिलेगी। 56 छुरी नहीं पर घर में घुसते की गड़बड़ाहट चालू कर दियो। अजी अरुणा जी सुनो ठाका है आज एक रूप सुंदरी के रूप बाजार में बचकर तांबड़ा तोड़ रहा है। कि मैं क्या सुन रही हूँ परा कि आवाज साची है। अरुणा अरुणा मेरे पास मैं के लिए कोई शब्द या उपमा नहीं है। आज तो मैं रेलगाड़ी के डब्बे में खुश हूँ तो मेरी आंखें मैंने देख कर खुली की खुली रह गई। 80 सोनी नारी तो मैं मेरी जिंदगी में पहली बार देखी। हाय क्यों जी खाने से बर्दाश्त हो जाओ। अरे फिर मैं बर्दाश्त नहीं होने जाती कौन सी बात है। आई बात मैं माँ की लुगाई के नेड़े कर देते हो तो मामा का कपड़ा ही फाड़ लाती। डिग्गी का कल्याण धनी तू ही बचाओ ऐसी लुगाई से। गोकर्ण जी जी तारी एक हाथ तो बाजे कोई अजी अरुणा अगर कोई से प्रेम करे और मन में मालूम हो तो मन में कोई तकलीफ थोड़ी होगी। अजी मैं था लुगा इतना ब्याह पैदा नहीं आज एक दूसरे ने देख कर इससे पैदा हो रही। अरे तय भाई छोड़ इस दूसरे ने। अरे तय आगे का हिस्सा तो बताओ उस गाड़ी वाली लुगाई का तय के करा करता के बाय स्टेशन पर उतर गई और चली गई आपकी मंजिल पर। है तरफ उसका पता ठिकाना भी लिया कि नहीं। मूसल वर्गा खड़ा खड़ा देखता रहा मेरी हेल क्यों थाने के करो पत्र पूछ कर अजी ने जी के भी गिनाफ है। अरे ठेलो बैठे गप्पी मारता रहोगा कि जिमरे की भी सुध है कोई नहीं। नमस्ते यानी जी। नमस्ते नमस्ते। अरे अमित तू भी ठीक है मेरे जमीन से चाकू के भूल ही रहे थे मैं करूँ मैं जल्दी बोल रहे हूँ। हाँ हाँ ते चाकू के साथ आई थारे सौवन घी तो घर जावे है पर आज तो थारे कभी भी को नहीं जाऊँ। दूसरा के रंग में भंग घेरे की कलावे तो ते प्रभात भी मुस्ता गया हो। अरे यार तू जरा समझते काम है जी। सच्चाई चेचो की तकदीर वाला छो माता भाया जी
अजी चौकी तकदीर से ही सोनी लुगाई मिल सके छे। मानी देख लो मैं गांव में ई घूट से लगा दी घूट ताड़ी भरवंडी मार तो फिर छू माता भया जी पर मां की तकदीर ऐसी खोटी छे कि लुगाई तो मिले पर सोनी लुगाई एक भी को नहीं मिले। अरे चौकी लुगाई की बात करता ना करे खाने तो बस थोड़ी सी ढील मिलनी चाहे फिर तो छम्बर बकरे बन जाओ ना। तू भी गिगी रानी कोटे की बात जाकर कोटे धोबी पछाड़ मारे छे। अरे मैं तो देवियां और सतिया की बात कर रहा था। हम बे थे तो छोई पूरा का पूरा सत्ता सत्य से सत्ता बहुत बढ़िया फिल्म छे। क्यों बाते थे लुगाए की बात क्यों करो ना लुगाए करे ही था की बात इस चुपचाप चार अंडे थे और ऐ कंफेंट करने के सुन लिया पेट लो थारी खांसी के कारण मन में रात रात भर जागरण करना पड़े है। खांसी भी तो तेरे कारण शुरू हुई थी। चुपचाप ही अल्लाह ये गोलियां भी कट लो। वो दूध कोटे छे दूध मायने चाल कर पी लियो चलो मायने किसी आरे मिल कॉलोनी पड़ी छे। सुनो पेट मान कर मत बैठ जाओ मार ऊपर आयो छे पर पेट तो थाको छे। तू तो जाने छे गिगी रानी की मैं दो ठो रसगुल्ला खाऊं छू। चलो 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 आगे थे पीछे मैं फिर ऊपर आ रहे मन भी भेज दे इसे सात्री सी बीरबानी देखी मारे शरीर का भी इसी तरह जापता रखे। हे गुगा पीर जैसे मेरा भी ब्याह करा दे तो हिंगा तक की तो के मैं तो फिनाइल की गोलियां भी खा लूंगा। अरे पंच तय करा तो शरीर और सुसरे और दो जी थाने यामिनी माए बुला रही मम्मी बहुत बढ़िया राजभोग बनाए घर का जी राजू जाए वो गुगो पे सुन ली दिखे गुगो पे सुन ली दिखे। हाँ थोड़ी देर पहले तू करो रेलगाड़ी में तेरे एक बहुत ही सोनी लगाई मिली खुली क्यों बताना जरूरी आया की गाड़ी से मेरी भी एक फ्रेंड आने वाली। अच्छा तो देख पिछा कर दे आए तो कोई ना तू ये बात एक बार भी गयो कोई खास बात नहीं है तन्ने तो देवड़ा को बहुत शौक रहा है बहुत जोरदार देवड़ा बनाया सब लोग मैं उठी यो है डॉक्टर कंचन को घर अब आप बैठे आराम से बैठो और मैं चलो पर हाँ मेहरबानी करके कोई ने यह मत बताया कि मैं खाने से शुरू कर रही हूँ। नो डार्लिंग नो मैंने पेट तो कभी खाई को नहीं कभी चला गया है फिर कैसे सबका सब लोग मैंने पेट पूजा में ला लिया है। आज डॉक्टर कंचन के ब्याह की पहली पहली सालगिरह है ना अच्छा इनको मतलब कंचन शादीशुदा है मैंने तो ये बात तो मालूम ही कोनी हो हर बात तो वो मनी करनी बताई थी कोनी मैडम प्यार में सगरी बात थोड़ी बताई जा सके है एनी आशीर्वाद बाय ओके बाय। मेम साहब मेम साहब थाने भाई साहब से मिल रहा है साहब से मेम साहब से नहीं साहब से ओले कार्ड हाँ जी फटाफट खबर कर दे। हाँ जी रश्मि ओ डार्लिंग लेटर रिंग फाइलिंग है भाई के भाई फिर तू इकली तो गया तू अपराधी तो नहीं कर कौन कमल कर डॉक्टर मैं तेरे से बहुत ज्यादा नाराज हूँ। डॉक्टर कौन बोल रहा है कि मैं डॉक्टर मेरी मन और मुझे तो अब तो मान गए ना मम्मी अब तक तुम मुझे जानकारी तो रहे मैं बीमा कंपनी को एजेंट हूँ पति धोखाबाज हो गए हैं मर्दा की जान ये बात को मैंने आज ही बेरो करो मैं तुमने तार देकर मेरी रानी की सूचना भेजी और उस स्टेशन पर भी फालतू आदमी ने बेचकर रिश्ते हो गए क्यों मैंने कती मिला तो होगी तेरे स्टेशन पर न मिलने से वो स्टोन हाथ मैं तेरे मेरे पर जरा भी फेल नहीं अजय देवी है बहुत है परंतु तेरी आशीर्वाद तो और नीता पर दोनों मर जाऊंगा। अरे हाँ आज तो मेरे ब्याह की सालगिरह ही ना
Congratulations, doctor. Happy anniversary. ये भगवान, अब मैं क्या करूँ? तो देवी पर एक आने जाएगा, अब मांगे की मिलवा? अरे बाप, मैं ना तो आदर सरकार करने की आई, तो मैं अच्छी नहीं दोषी डॉक्टर. क्योंकि तो भीतर बैठ कर घोड़ा निकलता क्यों हूँ? और मैं ना, यानी कि मैं रस्ता की बेकार चीजें आके खड़ी खड़ी रस्तों देखू. पीड़ित तो के गप मारे हो जानी. तू मेरा घर आएगी तो मैं तेरे स्वागत निचा पिछा कर करूंगा. खूब अच्छा स्वागत कर रहे हो डॉक्टर. अरे सामान की है? सारा सामान मेरे ही है डॉक्टर. कच्चे रखवाओ रखवा माना पड़ेगा का मोड़ पर. और कच्चे बाकी बाथा. अरे हाँ, पूरी में प्लीज अभी तो देना है. मेरे को नहीं छुट्टा कौन है जरा छुट्टा. बाथा हे बाथा आए तो वो सामान थोड़ी देर खाते की परवाही भी बंद रखा थी. तू जरा आगे हो जाएगी. अब मैं सब कुछ अच्छी तरह से समझा रहा हूँ. हम लोग ही करें डॉक्टर. मैं तो सारी रस्ते सोच के आ रही थी कि मेरी से मिठाई दे मन की कई कई खिल जा रही थी. पर तू तो घर में गुस्सा आई. दुशासन की जो या बाप पकड़ कर माँ बाप को बाहर जा करने लगो. और जाल कुल है यो? या तो क्या याके लगा रखी है? साफ साफ जवाब दो कि कुल है या चारें या कुल है चारें. अच्छा तो यो ही है थर्ड नंबर डालिंग था आपको बोलो. इसमें मिलने खातर ही अति देर से तोड़ा कर रहा था कि मोहनी सूरत बढ़ाकर बोल रहा था कि मोहन में ही करते बेचा को केस है. तो यह ही है खाली बात चारा ही. जमीन चुप है बहुत होगी. आपने सोच समझ के मेरे सब निकालने थे क्योंकि कभी जाना मेरे से भी विश्वासघात करता था. मैं जरा भी लाश को नहीं आई. इतना कभी हो गया पारे से उजरा मारे ने कहा चल चल निकल रहे थे. अरे तो है कौन? अरे क्या कर रही है? आप भी मेहमान है. मेहमान मेहमान तो अच्छा भी है. मौके का बता दे कंशन में कौन हूँ. फिर मैं संकोशी के बाद आपने बी दिन की गुलाबा की गुलाबा को थोड़ी स्वागत शुक्रा विवाह ये भी सुना रहे. कहीं आप मिलिया कहीं एक कमरों गुलाबा में लिखा है और जुड़ाई कहीं ब्याह को वचन दी हो हम लोग होने से के पायो. बता दे कि मैं तेरी होने वाली धनपति. गलत बिल्कुल गलत. तो मुझे आकर मेरी ब्याह की सालगिरह में जरा खुलो जा रहे हैं. मेरे सुखी जीवन में आग लगानी चाह रहे हैं. चल चल की गाड़ी से बस बी के कारण ही सारा घर में भूकंप आ रही हूँ. नहीं मेम साहब कौन है बाबा कटे से आई है? कौन है कटे से आई है? ये बात को बेरो तो बाबू साहब बाबू जी नहीं है. मन्ने तो अभी तक ये बात को भी मालूम कोनी पड़ी हो कि बाप मरे थे. एक लोग ये बीड़ी तो ये सन्नाटा से पिए ई सन्नाटा से पिए के मोटियारा ने भी परे बिठाओ बाबू साहब. क्यों रे
तू सुबह सुबह बांग तो को नहीं खा रहा कि ना? अरे लुगाई बीड़ी पीवे ती में अचरज की कौन सी बात है? आजकल की लुगाई तो बीड़ी तो के साप्ता का साप्ता मोटा रहने निकल जावे। पर खैर तो यह बात बता कि रात वाली पार्टी कर खत्म हुई। पार्टी? पार्टी क्या की बाबू साहब, बी नहीं मैम साहब के आया पीछे डॉक्टर साहब और बहुजी में सांप घेवरा को सो घमासान युद्ध हो दोनों जोड़ा अस्सा लड़िया अस्सा लड़िया किससे कसे लोग आजा फूक कई उठकर चलिया गए। क्यों क्यों असो क्यों हो रहे? बताता तो मन्ने भी शर्म आवे बाबू साहब, पर था से क्या कोलो डॉक्टर साहब की तो बुद्धि बेस्ट होगी लगे। बहुजी कोटरी में सारी रात तरामती की जया विलाप करता रिया और डॉक्टर साहब और नहीं मैम साहब सारी रात घड़ो फाड़ फाड़ करके के बेरो के गाता रहा और तख्ता तोड़ नाच नाचता रहा। अच्छा लक्ष्मी लक्ष्मी सुन तो प्लीज एक बार प्लीज एक बार लक्ष्मी देखियो बाबू साहब कबूतर कबूतरी को तमाशो सारी रात अस्सी नौटंकी होती रही है। खैर मैं तो अब चालू बहुजी मेरे बिसर बैठे हो। हाँ तू जा बहुजी तो तेरे बिसर ही बैठे जाऊं बाबू साहब। शायद सवेरे सवेरे की कसरत करी जाए और सवेरे की मेहनत स्वास्थ्य के लिए हो भी ना जाए और बीमे भी भाग दौड़ तो सबसे बढ़िया कसरत है। लगे है डॉक्टर कि तू रात भर सोयो को नहीं। बुरी बात है डॉक्टर, तो डॉक्टर लोग मरीजों ने तो आराम करने की सीख देता रहे हो पर खुद वहां पर अमल को नहीं करो। तने आराम की सख्त जरूरत है। और हाँ काल जी की चाबियां तू मैंने दी ना अठे रखू और मैं चलो तू आराम करी है प्लीज। ओके बदमाश कमियो कोई बात नहीं बच्चू मैं भी देख लूंगा। डार्लिंग ऑफ माय स्वीट हार्ट तू अच्छी एकलू क्यों बैठा है मेरे कमरे में क्यों को नहीं आया हूँ? मैं बोर हो रही हूँ जब से। रश्मि डालिंग मैंने एक जरूरी काम से बाहर जाना है मैं चलूं जल्दी पास आ जाऊंगा। चावे को मैंने एकली नहीं छोड़कर नहीं नहीं मैं एकली बोर हो जाऊंगी। अच्छा बता तो कंचन हाँ तू मेरे से साझा ही प्रेम करे है? प्रेम? अरे मैं तो तेरे बिना पिसा को गुलाम। चल चल फालतू बात में क्या आनी जानी है थे मर्द लोग हो वही मतलब ही आज के बाद मेरे बाबत कहो हर काल काल भी मैं तेरे रहूंगा डाले। अगर आप बात नहीं होती तो मैं मेरा घर गृहस्थी और समाज के लात मार सकता हूँ। तू कब जिया करना चाहो तू कब तो मैं मेरे सागे ब्याह कर सके दर्द तेरे की पत्ती जी बात। अरे अगर ब्याह करने की नौबत आई तो मैं तेरे सागे साथ नहीं पूरा 700 फिरा लेकर ही मानूंगा। बात मैं तेने कितनी बार कह चुके हूँ तेरे मानी को नहीं ओ जी सोच ले डॉक्टर कट्टे श्रीमती जी से डर जावे। श्रीमती जी से और मैं डरूं? अरे अगर मैं बी की परवाह कर तो काल सब लोग आकर सामने तेरा गला में हाथ डालकर चक्री डोरे हो फिर तो। शुरू शुरू में तो तेरी नानी मर गई और तू गादरा की हेल पूछ दबा कर खड़े हो गए तो है ना? वो मेरो पहलो पहलो ही मौको नहीं सका मांगो इसलिए थोड़ा घबराएगो। आज मेरो सुख देखकर स्वर्ग लोग का देवता भी इससे से पागल हो रहे हो। तने मालूम है कि अबार में के सोच रही है? मैं सोच रही कि आपा ने अट्टे से बहुत दूर भाग चालो जाए जाने है ये घटना से सारा हिंदुस्तान में तहल को मच जाएगा। अखबार का मोटा मोटा हेडलाइन तेरे और मेरे नाव के कलमा से भर जाएगा सब जगह बस तेरी और मेरी ही चर्चा फैल जाएगी। यू चार्मिंग इडियट चल मैंने बैठे आपा आराम और स्वतंत्रता से बैठेगा। भीतर तो चल सकूं पर मैंने गोदी में उठा कर ले चलना पड़ेगा ले चल सडनली एंजल। अरे जान
કઈ ફાયદો છે? કઈ હોર્યો છે? આ તો સાગડો મજો આવે. પહેલાની ચાલો જી. જ્યારે ઇન્ટર પર રાજ મિલ ગયો ત્યારે કોને લોગા કા તમાશા દેખ દેખ કરી જી રાજી કર્યો. ખુદ કી લુગાઈ મર જાવેલી તો કાંદો ભી કોની દેવેલા. અરે માખી જી જી રાણી, મેં ચાર ચાર લુગાઈ આપો કાંદો બન ચુક્યો છું. અરે તેરા નંબર ખાતર ભી મેં તો તૈયાર ઈ ખડ્યો છું. અસા કામમાં મને કોઈ નાવડ શકે છે? મેં તો હું દિન કો રસ્તો ઈ દેખ રહ્યો છું. થેન્ક યુ પ્રોજી. પણ યો ડોક્ટર યો વિદારી કો શરમ ને તો ચાક પૂછ કરી પી ગો. જે મેરી જૈસી લુગાઈ હોતી તો દારિગા કે નાક મે નકેર ઘાલ દેતી. ઈસો સીધો કરતી, ઈસો સીધો કરતી કે યાદ રાખતો. સુણો જી, હા જી, ઈ ભી ડોક્ટર ને રસ્તે લ્યારો છે, સમજા? મેં તો તેરી કાળી ગાય છુંગી ગિરાણી, મને તો માફી કર દે, મેરે સે તો કામ દોરો ઈ પાર પડે. હા જી, ઓ ભી કોઈ ભારી કામ છે? એ તો બસ મેં બોલું, ભૈયા કે ભૈયા હા મેં હા મિલાતા રહેજો. અરે દેવી, दूसरे आदमी की नाजुक और घरेलू बाता में पराया आदमी ने आपकी टांगने डाली चाहे के नहीं डाली चाहे? मन ने तो डर लागे छे बंदा. आजी वाजी डर को मल जी, पराया लोगा में मेरी बुराया करता थाने डर को नहीं लागे. और अब बिचारी यामिनी की गृहस्थी पर आया संकट से दूर कर पा में थाने डर लागे छे? हसी लंजूसी पढ़ी लिखी लुगाई और गृहस्थी बसाया भी ले देकर एक बरसती बीतियों छे. और देखो तो ही पढ़े लिखे आदमी की फैर फतुराई की बाजारी लुगाई के गेल हो रहे थे, लंगूर की हेर भाग रहे थे. अरे खुद की गृहस्थी के लगा पर नाय खुद ही तमाशा देख रहे थे. अरे धीरे बोल लक्ष्मी, धीरे, डॉक्टर सुन ले लो. अरे धीरे बोले माटी जी उठी, मैं तो सुनावा खातर जोर से बोल रही छू. अरे नमस्कार भाई गोकर्ण जी. नमस्कार, क्या बात है? सुधिया सुधिया और पत्नी के साथ है? तबियत तो ठीक है ना? तबियत तो बोला चाची छे. डॉक्टर साहब से देखी रहा छो. बात यह छे डॉक्टर साहब कि परसों तीनों छोरुआ के जनेऊ को टंटो तो सलटी हो. आया था दही बड़ा खाया था, बढ़िया एकदम आनंद आया छो ना? बस तो अब कोई काम तो रहे हो कन्या, ऐ वास्ते बाहर निकल गा और एंडी ने आएगा. अच्छा अच्छा, ऐ तो साफ झूठा छे डॉक्टर साहब. और उता बोलेगा मैं तो काम सारू आया था. मतलब यो ये थाने एक बात कहनी चाहे छा. बोलो जी, काई कहनी चाहे छा? मैं कहनी चाहे छो, अरे खैरी छे काई तू? डॉक्टर साहब आ तो साथ ड्यूटी छे. मुंडे पर जरा भी शर्म को छाटो हो तो डूब मरो चिल्लू भर पानी में. डूब मरने की बात आएगी जब तो बोलना ही पड़ेगा. सुन भाई डॉक्टर, तू काल से एक नई लुगाई ने घर में घाल रखी छे ना? नई लुगाई? हाँ. और घर में घाल रखी है? हाँ. के बात कर रहे होते? बात तो मेरी मेहमान है और बाग कोई साधारण औरत नहीं है, बस सिनेमा एक्ट्रेस है और खानदानी भी है. अच्छा, तो सिनेमा एक्ट्रेस भी छे और खानदानी भी छे. वाह काय घड़ा छे आका है, सुन लियो अब तो काय भी कहना सुनना पड़ता छे. ठीक छे डॉक्टर साहब, मैं थाने आई बात पूछू छू कि ओ काय टंटो लगा रखो छे? हाँ. वो काय भल्याजना को काम छे? देखो जी, 100% की एक बात यह है कि वो मेरे घरेलू मामला है और कोई दूसरा ने कोई का घरेलू मामला में टांग नहीं रहनी चाहिए, समझे? वाह, 1,00,000 रुपया की बात कही छे. थैंक यू प्रभु जी. वाह, एक चुप रहे, आने भी बोलने का अधिकार है. वाह, अगर कोई सुंदर नारी कोई पुरुष ने रास्ता में मिल जाए तो आदमी बस में रह सके कैसे? थे तारा पति नहीं पूछ कर देख लो, अगर आने मिल जाए तो एक ही करे. हाँ हाँ बोलो, पर खूब सोच समझ कर बोल जाओ, समझा? धमकी देकर झूठ बुलाने की कोशिश है आ तो. पर सच्ची बात तो आज है डॉक्टर साहब कि ऐसे मौका टोका पर माता पर कुत्ते पर ही आवे. क्यों सुनो, थाने थारा पति देव का श्री मुख से ही थारा प्रश्न का उत्तर मिल गो ने? चोर की गुआई कुण दे, आ ऐसा बूढ़ा ने तो ना रह के रुक के लटका कर रुक के झरझरी लगानी चाहे जदी पटे बेरो. अरे देवी, रुक के जड़ी लगाया तो नारेड़ी तरह पड़ेगा, बूढ़ा तो ऊपर का ऊपर ही टूम तरह जावेला. चाली चाली मेंडिया, व्हाट अ स्वीट वॉइस. डरपो मारे अनुता, मैं मायने जाकर आऊ छु, ते एंडे उभा रह जो. बोल रहा हूं, हार भी गया तो जाओ छो मुंडे कोनी हालो जा.
जंगल और पहाड़ा से ती चुक चुक कर ले आया सू फूल, नाजुक नाजुक सुंदर सुंदर देख के खुद ने रहा सू भूल। देना चाहूं सू है फुलड़े, किसने दियो ये समझ ना आए, दुनिया भर में कोई न मेरा तन में लाग रही से लाए। भाई गोकर्ण, जैसे इस घर में उस सुंदरता जवानी की देवी का अवतार हुआ से, और मन ने उसका दर्शन मिला से, माथा में कविता ही कविता उपजरी से, मन में आवे से गाता रहूं गाता रहूं। दूसरे मेरे घर खातर बोल रहा हूं। बोल, बोल, बोल। तो मेरे कहने का मतलब आज है कि भगवान भी बड़ा बेईमान निकड़ा, काया तो पूरी 5 फुट और 5 इंच की बना दी, पर गला तो बनाना ही भूल गया। गलो बनावा की तरकीब माथो सीखो खरो खर। जाको चूड़ी बाजे की चूड़ी कूट कर महामंगेशकर चूर्ण बना लियो, और रोजीना एक चूटी ठंडे पानी के सागे ले लिया करो। माँ का बाया जी 7 दिन में लता मंगेशकर बन जाओला। तय भी सुसरे मेरे आदमी से कह चक्कर है। अरे तय मेरे कहने का मतलब तो समझा ही को ना, तेला मंगेशकर आला तजुर्बा तो जद साध्या जाए। जद गला ठीक होने से ती घम्मड़ घम्मड़ करती लुगाई गेल हो जाए। ते तो माका बाया जी चो कावड़ी भूज है, लुगाई लुगाई की रिटकाई लगाई राखी छे, माँ के कानी निजरा पसार कर देखो। सुन भाई गोकर्ण, हम तेरली पहली बीर बानिया ने तो कुने